पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबक जन शक्ति सेनेटर मोहतरम जनाब जंगीर बदर जो आज के प्रोग्राम की मेहमानी खुशी है। हमारे आज के प्रोग्राम की सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस के सीनियर नायब सदर कामरान यूसुफ घुमर साहब कर रहे हैं। मैं उनको और मजद मेहमानी ग्रामी बंगीर साहब को रजवाना साहब को हमारे बहुत ही काबिल एहतराम सीनियर एडवोकेट मोहम्मद इकबाल खोकर साहब को अशरफ गोंद साहब को और मेरे तमाम जाले भाइयों और बहनों और बच्चियों अस्सलाम वालेकुम। अब मैं माजी में जो कुछ हुआ वो सब आप ही जानती हैं, लेकिन हमारा जो जहाँ पे इकट्ठा होना है उसका मकसद क्या है, उसका ये है कि हमारे में किस चीज़ की कमी है, हमने उन चीज़ों कोताहियों को दूर करना है, वो शऊर की कमी है। अगर उस वक्त भी शऊर होता तो आज हमारा जो है जुल्फकारी अली भुट्टो वह हमारे दरमियान होते, उनको जो फांसी दी गई उसके पीछे जिन ताकतों का हाथ था ये आप सब बखूबी जानते हैं। तो लेकिन मेरी फिर आपसे यही दरख्वास्त है, कहते हैं कि इस दौर में शऊर हुनर किसके पास है, इस दौर में शऊर हुनर किसके पास है, आंखें तो सबके पास है नज़र किसके पास है। तो कोशिश कीजिए, अगर जमहूरियत है तो आप हैं, अगर जमहूरियत नहीं है तो आप भी कुछ नहीं है, क्योंकि जमहूरियत हमें शऊर बख्शती है, शख्सी आज़ादी देती है, हमें आप पे हक बनवाने का जो है एहसास बेदार करती है, हमें बताती है कि सच क्या है झूठ क्या है। तो लिहाजा प्लीज़ मेरी आप सब से गुजारिश है कि ज़ाती रंजिशों को दूर करें और सब एक हो जाएं, जब क्योंकि जब एक चीज़ होती है तो उसमें वो चीज़ नहीं होती, जब सब मिल के जो यूनिटी है उसकी अपनी ही बात है। तो लिहाजा आप अपने आप को यकजा करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, वरना तो सवाल तो बड़े उठते हैं कि वार कर सकती तो हूँ मैं अपने दुश्मन पर मगर, वार कर सकती तो हूँ मैं अपने दुश्मन पर मगर, सोचती हूँ दरमियाँ फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि फर्क कायम करें एक अच्छे और एक बुरे के दरमियान। हमारी बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जमहूरियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, फिर हमें भी चाहिए कि जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए हम अदन जो है अपनी जान जो है वो हमेशा उसके लिए तैयार रहें कि ताकि आइंदा किसी आमर को जरूरत ना हो कि वो जमहूरियत का गला घोंट सके। इसके साथ ही मैं आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ।